कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हमारी पूर्ति मैडम पोहा बना तो यहाँ पर पूर्ति मैडम पोहा बना रही हैं और देखते हैं इनका पोहा कैसा बनता है। और इन्होंने बहुत गंदा कर दिया है, जो कढ़ाई जो भी है बहुत गंदी कर दी है पूर्ति मैडम ने। तो इसमें पहले ऑयल डाल दिया था, फिर अनियन डाल दी थी, फिर इसको बाद में ध्यान आया हुआ कि अरे मुझे तो मूंगफली फ्राई करनी है। फिर उसके बाद उसने अनियन फ्राई की हुई निकाली, उसके बाद में मूंगफलियों को फ्राई किया, उसके बाद में फिर से अनियन डाल दिया इसने। अब मैडम अनियन ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है, इसमें टमाटर डालो। वैसे हमारे घर में पूर्ति बहुत कुछ जानती है, जैसे पोहा बनाना, मैगी बनाना। हर्ष के कंपैरिजन में पूर्ति ज़्यादा जानती है, हर्ष को तो कुछ भी नहीं आता, पूर्ति तब भी बना लेती है पोहा, चाय, मैगी। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे। पहले नमक डालो टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अब इससे क्या होगा, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो टमाटरों को सॉफ्ट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पोहा, जो हमने थोड़ा सा गलाने रखा था ना पूर्ति मैडम। तो गाइस देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे पूर्ति मैडम हल्दी डालना भूल गई है। पूर्ति हल्दी डालना भूल गई, भूल गई, भूल गई। चलो आप लाओ, मैं चलाऊं। तो पूर्ति हमारी अभी छोटी सी बच्ची है, वो इतना कर लेती है, हमारे लिए वही काफ़ी है। और अभी तो उसने थोड़ा हल्दी डालना भूल गई, बट कोई नहीं, अगर हम लोग बाई चांस हल्दी डालना भूल जाते हैं तो हम लोग हल्दी ऊपर से भी डाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को इसको थोड़ा सा और अच्छे से हीट होने देने हैं इसके अंदर, जिससे कि हल्दी का जो कच्चापन है वो ना रह जाए। मूंगफलियाँ डाल देंगे, आजकल बड़ी पोहा पोहा हो रही है, आजकल सबको पोहा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आना भी चाहिए गाइस, मुझे तो पोहा बहुत पसंद है। आप लोगों को भी कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यह हमारा पोहा रेडी हो चुका है बनके। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, आज के ब्लॉग में। तो गाइस एक दो दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी एक्चुअली मैं, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा मन वैसा हो जाता है। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और घड़ी में बज रहे हैं 4:30, और डैडी भी इस टाइम पर घर पर हैं। तो अभी डैडी का थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था, तो अभी मम्मी उनके लिए बना रही है चाय और साथ में पोहा। तो मेरा तो गाइस ऑरेंज वाले बिस्किट खाने का मन कर रहा था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ऑरेंज क्रीम वाले जो बीच में ऑरेंज फ्लेवर में जो क्रीम फिल होकर के बिस्किट जो आते हैं वो किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वाले बिस्किट मेरे फेवरेट हैं। तो अभी मैं बस वही वाली बिस्किट खाने वाली हूँ। तो चलते हैं और मम्मी को देखते हैं, मम्मी किचन में क्या कर रही हैं, क्या बना रही हैं।
नो 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 नो, अभी किचन में आना मना है। क्यों? अभी नहीं। अभी आना क्यों मना मम्मा? देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अच्छा पुआ उतारूँ तो? मम्मा ने तो अभी किचन में आने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा है मम्मी जैसे कुछ सरप्राइज रख रही हूँ। हमारा चीकू तो सो रहा है, लेजी। सो गाइस, मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। वैसे एक दो दिन से मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और आज थोड़ी थोड़ी धूप निकल करके आई है, तो वैसे तो अच्छा ही है। थोड़ा ज़्यादा और दिन के हिसाब से और ज़्यादा जैसे भयंकर वाली जो धूप होती है वो नहीं है, फिर भी बहुत ठीक है मौसम। सो गाइस, पोहा रेडी है और बहुत ज़्यादा यमी यमी लग रहा है। गाइस, आप लोगों को पोहे में मूंगफलियाँ कैसी लगती हैं? मम्मा को पोहे में मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, पोहे में भी और साबूदाना जो आलू बनता है उसमें भी। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खाने के लिए। तो गाइस, आज सब लोग पोहा पोहा खा रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में पोहे का गेम चल रहा है। कभी मम्मी पोहा बना के लिए जा रही है, कभी पूर्ति, तो अभी मम्मी फिर से बनाने गई है डैडी के लिए, क्योंकि ये जो पोहा बनाया था इसमें प्याज मिली हुई थी और डैडी प्याज खाते नहीं हैं, तो इसलिए हम मम्मी डैडी के लिए अलग से बिना प्याज वाला बनाने गई हैं। तो आज तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर में पोहे वाला गेम चल रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है सबसे अच्छा कौन बनाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे अभी तक तो पोहा मम्मी का रहा है, क्योंकि पूर्ति का भी फेल हो गया। पूर्ति का भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना था और मम्मी का बहुत अच्छा बना था जो मम्मी ने बनाया था। अब मम्मी ये तीसरी बार पोहा बनाने गई हैं, वो भी डैडी के लिए बिना प्याज वाला। हमारे डैडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, डैडी खेल रहे हैं कैंडी क्रश गेम। डैडी तो आजकल हमारे डैडी को कैंडी क्रश गेम बहुत अच्छा लगने लग गया है, ये हर्षन डैडी को बता दिया है। और डैडी पहले भी इस गेम को खेल चुके हैं, बट इस बार फिर डैडी ने इंस्टॉल कर दिया था। फिर से डैडी को जब याद आया कि हाँ, कैंडी क्रश नाम का भी गेम था जो डैडी पहले खेलते थे, डैडी इस गेम को खेलने आए। आजकल डैडी को वो बहुत पसंद आ रहा है, तो डैडी उसी को खेल। गाइस, डैडी का पोहा बन के आ चुका है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डैडी के पोहे ने सबके पोहे को फेल कर दिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रहा है, और साथ में बनाई है मम्मी ने ठंडाई। ओहो मम्मी, आपने तो सबका पोहा फेल कर दिया। तो डैडी का जो पोहा है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। उसमें मम्मी ने कड़ी पत्ता, मूंगफली ये सब ऐड किया है। इंदौरी पोहा बोलते हैं जिसको, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रहा है। और साथ में दो ग्लास ठंडाई। वाह, ठंडाई का तो मजा ही कुछ और है। गर्मियों के टाइम पे वैसे तो चाय के साथ पोहा अच्छा लगता है, और गर्मियों के टाइम पर ठंडाई हुई और लस्सी के साथ नहीं, एक बार को ठंडाई के साथ चल जाएगा। ठंडाई के साथ, ठंडाई हो, लस्सी हो, कुछ भी हो, लिक्विड होता है, गाइस। अब हम करते हैं व्लॉग का एंड, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रूटी।